इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इखती। चाहूं मैं आना अपने तुझे का पहले नमस्कार दोस्तों, एजे पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वी एन ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपके जो भी पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से अपने पोस्ट है वो ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से आपको भी अपने सभी पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से अपने पहले पोस्ट है वो सभी ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको पहले अपने जितने भी पोस्ट है वो मैं इधर ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से एक तीर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो वहाँ पर क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट रहेंगे कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों ऊपर ओरिजिनल लिखा वहाँ पर क्लिक करना है, 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से पहले अपना म्यूजिक वो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों कुछ ही देर में आपका म्यूजिक रहेगा वो इधर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका म्यूजिक रहेगा इधर ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से यस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ से आपको तीर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका पूरा सॉन्ग रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऐड हो जाने के बाद इधर आप देख सकते हो आप अपने पोस्ट है वो कैसे ऐड कर सकते हो, जो कि बीट के हिसाब से आप अपने सॉन्ग में पोस्ट कैसे ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों उसी तरह से ऐड हो जाने के बाद इधर से आपको कुछ इसी तरह से आपका सॉन्ग रहेगा वो ऐड हो जाएगा। उतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना सॉन्ग खत्म हो रहा था, यहाँ से आपको अपने बीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर अपने पहले बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेता हूँ। तो उसी तरह से आपको भी अपने बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर अपने जितने भी बीट है उसी हिसाब से मैं पूरे में ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका जैसा भी बीट रहेगा उसी तरह से आपका जो सॉन्ग रहेगा चेंज होता रहेगा। ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको यस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इसे हम थोड़ा जूम करेंगे, जो कि यहाँ से हमारा सॉन्ग रहेगा वो बीट के हिसाब से चेंजिंग रहेगा। और उसी तरह से मैं इधर अपने कुछ बीट है कुछ इसी तरह से ऐड कर लूँगा। तो इसमें आपको अलग अलग इफेक्ट दो इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से पहले हम पूरे वीडियो को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको पहले मैं कुछ इसी तरह से प्लस वाला आइकन पे आ जाना है, यहाँ से आपको कुछ इसी तरह से आपके सामने इफेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इधर से आपको ब्लर वाला इफेक्ट भी ऐड कर लेना है, जो कि ब्लर वाला इफेक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। उसी तरह से आपको इसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे आपको पहले वाले बीट को आपको अपने जो जहाँ पर आपका पहला बीट ऐड हो रहा है वहाँ तक आपको इसे रख देना है। दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर पहले बीट तक इसे सॉन्ग को रख देता हूँ। और उसी तरह से करने के बाद इधर एफएक्स में जाना है। एफएक्स में जाने के बाद दोस्तों इधर से आपको फ्लैक्स वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा तो उसे कर देना है। उसी तरह से करने के बाद इसे फुल कर देना है और यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका इफेक्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इधर से आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाके इधर आगे की पीछे की तरह से सेट कर लेना है। तो दोस्तों पहले में आपका ब्लर रहेगा वो कुछ इसी तरह से आएगा तो ये पोस्ट कुछ इसी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। उसी तरह से आपको दूसरे में प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको दूसरा वाला इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इधर से आपको दूसरा वाला इफेक्ट रहेगा इधर नॉर्मल के बाद बाजू में एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा तो वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर आपको दूसरा इफेक्ट रहेगा कुछ इसी तरह से आपको तो ये दूसरा वाला इफेक्ट है ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद इधर आपको यस पे क्लिक कर देना है और उसी तरह से इसमें आपको अलग तरह का एक इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर पूरे वीडियो में कर देता हूँ। और उसी तरह से करने के बाद यहाँ से आपको अपने बीट के हिसाब से सही से कर देना है, जो कि आपका पूरा सॉन्ग रहेगा कुछ इसी तरह से सेट हो जाएगा। तो दोस्तों उसी तरह से हो जाने के बाद इसमें आपको एफएक्स में जाना और एफएक्स में जाने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपना इफेक्ट रहेगा जो कि जटर डाउन का इफेक्ट ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद इसे फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों इसे आपको कुछ इसी तरह से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोस्तों आपका सॉन्ग रहेगा वो कुछ इसी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों उसी तरह से आपको पहले में ये वाला ब्लर और आपने जो
अलग प्रकार के आपने फ्लक्स वाला इफेक्ट और इधर आगे ब्लर वाला इफेक्ट उसी तरह से आपको कर देना है, और उसी तरह से दूसरे वाले पोस्ट में आपको कुछ इसी तरह से कर देना है। तो उसी तरह से आपको सारे वीडियो में कुछ इसे प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके इधर से आपको अपना जो इफेक्ट है वो ब्लर वाला यूज कर लेना है। तो दोस्तों उसी तरह से इसे थोड़ा आपको बड़ा कर देना है और ऐसे आपको अपना ब्लर वाला इफेक्ट रहेगा वो नॉर्मली देखने को मिल जाएगा। तो इधर से आपको ब्लर वाला इफेक्ट है ये यूज करना है, और उसके बाद इसमें आपको जो जूम आउट का जो फ्लक्स वाला इफेक्ट हमने ऐड किया था वो का वो ऐड कर लेना है। उसी तरह से करने के बाद इसे फोल्ड कर देना और यहाँ से यस पे क्लिक कर देना, और दूसरे वाले इफेक्ट में आपको इसे आपको अपने बीट के हिसाब से सही से सेट कर लेना है, जो कि आपका इफेक्ट है वहाँ तक आपको इसे सेट कर देना है। और उसी तरह से आपको सभी में कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इसमें आपको जो आपका जो दूसरा वाला इफेक्ट है उसमें आपको कुछ इसी तरह से वापस क्लिक करना है, और उसी तरह से इसे जूम पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से अपना इफेक्ट रहेगा उसे थोड़ा बड़ा कर देंगे, जो कि इधर से प्लस वाला आइकन आ जाएगा। तो इधर आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इधर मिड वाले आइकन पे क्लिक करके ये वाला इफेक्ट ऐड कर देना है। उसी तरह से करने के बाद इधर यस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें आपको इफेक्ट रहेगा जो कि जटर डाउन का इफेक्ट आपने किया था वो का वो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में ऐड कर लेना है, और दोस्तों इधर ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है ऐसे यस पे क्लिक कर देना है, जो कि वीडियो रहेगा इजीली आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।